आता। गहरा नुक्ता है, गौर से सुनी। जब एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, जब एक इंसान में एक स्किल डेवलप नहीं हुआ हुआ, जब एक इंसान को, वो पंजाबी में कहते हैं, बल नहीं आता, व्हेन अ मैन डजंट नो हाउ टू डू अ थिंग, तो अल्लाह उसे वहां फेल करेगा ही करेगा, ताकि उसका उस फील्ड में स्किल अच्छा हो जाए। तो फेलियर को इतना ये जलील किस्म का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? हार गया, हारना कुछ नहीं होता बेटा, तुझे एक चीज आती नहीं है, इसलिए तुझे वहां से अगर गुजार दिया तो आगे बड़ी बला मार देगी तुझे, खलास। फेलियर इज नथिंग, जस्ट टू ट्रेन यू कि तू आगे बड़े पट्टे के साथ मुकाबले में गिर ना जाए, इसलिए इंसान फेल होता है। लेकिन अगर आपने फेलियर से यह समझ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जात अदम हो गई, मेरी हैसियत खत्म हो गई, मेरा वजूद बिल्कुल जीरो में चला गया, तो बेटा यह सेल्फ डाउट है। हार बुरी चीज नहीं है और जीत भी बुरी चीज है। दोनों के पीछे जो माइंडसेट होता है ना, वो बुरा होता है। अगर हार तुझे शक में डाल दे और जीत तुझे तकबर में डाल दे, अगर हार तुझे बनी इसराइल बना दे और जीत तुझे फिरौन बना दे, अगर हार तुझे शक्की बना दे और जीत तुझे फजूल का ओवर कॉन्फिडेंट कर दे, तो ये दोनों बवाल हैं बेटा। इट इज द एटीट्यूड बिहाइंड इवेंट्स दैट मैटर। इसलिए तो अल्लाह कहता है कुरान में, फैजा फरग तफन सब वाइला रबी का फरगब, जब तू जिंदगी के समंदरों से गुजरेगा, जब तू एक्सपेरिमेंटेशनों से गुजरेगा, जब तू तजर्बात से गुजरेगा, जब तू मुशाहिदात से गुजरेगा, जब तू वक्त की ऊंच नीच से गुजरेगा, जब तू लाइफ के हाइज एंड लोस से गुजरेगा, जब तू नए नए रिश्तों से गुजरेगा, जब तू नए नए फैसलों से गुजरेगा, जब तू नए नए मियारों से गुजरेगा, जब तू नए नए मुल्कों से गुजरेगा, जब तू नए नए पासपोर्ट से गुजरेगा, तो तेरे सीने को डेंट लगेंगे, तेरा अंदर का आप हिलेगा, उसमें खौफ भी हिलेगा, डर भी हिलेगा, उम्मीद भी हिलेगी, मोहब्बत भी हिल जाएगी। अल्लाह क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर उसको, ब्रिंग इट बैक टू द बैलेंस। कैसे? कि मेरे ऊपर भी एक ताकत है, लोगों से बड़ी भी एक ताकत है, मेरी सच्चाई सच को अट्रैक्ट करेगी, मेरी इंसानियत इंसानों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी बहादुरी बहादुरों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी कंफ्यूजन्स मेरे साथ कंफ्यूजन्स को ही अट्रैक्ट करेगी, मेरा डर डरपोकों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरु अला दीन खलीलिही, जैसा इंसान के बराबर वाला होगा वैसे ही उसकी नफ्सियात होंगी। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाल्लाह, गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है, फैसला तेरा है कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू अपने आप को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू कह दे उसको फाइन, अगर इस स्टेशन पर ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली इंप्रेस करता हूं, निकल गया तो जंग फिर लंबी। और ये कब तक चलता रहेगा? लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक चलता रहेगा, ये रिस्क टेकिंग कब तक चलती रहेगी, ये कब तक जिंदगी में रिस्क रिस्क, जब पता ही नहीं है क्या होना है, जब पता ही नहीं है कहां से आनी है, जब पता ही नहीं है हेट कहां से लगेगी, जब पता ही नहीं है दुश्मन कहां से आएगा, जब पता ही नहीं है तनकीद कहां से आएगी, जब पता ही नहीं है कि कहां से सियासतें होंगी तेरे खिलाफ, जब पता ही नहीं है कि प्लानिंग कैसे कर रहे होंगे लोग तेरे खिलाफ, तो कब तक करना है उस्ताद जी? बियास शेख आतिफ कब तक चलता रहे बेटा? ये मौत तक करना है तूने, हत्ता याती के यकीन, इस हद तक के तू दुनिया से चला जाए, क्योंकि तू लिमिट नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को, जहां तू रुकेगा फिर तू यही था बेटा। अगर तू 50,000 रुपए पे अपनी लिमिट को करता है अपनी लाइफ को, फैसला तेरा है। अगर तू 50 लाख तक की रियासत लेके जाना चाहता है एक महीने में, वो भी फैसला तेरा है। अगर तूने पूरा सूबा खाना है, वो भी फैसला तेरा है। और अगर तूने इसी गांव में दफन होना है या इसी कस्बे शहर में दफन होना है, फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन जितने लंबे और बड़े फैसले होंगे, गेम भी उतनी बड़ी हो जाएगी, फिर दुश्मन भी उतना बड़ा, दोस्त भी उतने बड़े, सियासत भी उतनी गर्म। तो घबराना नहीं है बेटा, समंदर में साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है बेटा जो लहरों की मुखालफतों में कदम उठाता है अंदर। ही गोज इन टू दो स्टॉर्म्स। वो कहता है ना, कहने वाला कहता है कि शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा
शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा कि तूफान से डर के रहना, ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। तो ख्वाब देखने वाले ने जवाब दिया, ओए मैं ही वो तूफान हूं जिससे डरना चाहिए, आई एम द स्टॉर्म। तूफान बन बच्चे, खुद एक तूफान बन कि सारे तूफान तेरे अंदर आके घर को जाए। इतना बड़ा करना है तूने अपने आप को। तो जैसे ये जिंदगी के सिलसिलों में कदम बढ़ेंगे, जैसे ये जिंदगी के अंदर मामले बढ़ेंगे, और तू फैसला करेगा उस कुएं से, उस गड़े से निकलने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को अफसानों में नहीं रखना चाहता कि